मैनपुरी में रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद आज डिंपल यादव को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद शपथ की शपथ दिलाई है। साथ ही डिंपल यादव ने सोनिया गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चुनाव में जीत के बाद सपा का जोश हाई, डिंपल ने संभाली नेताजी की विरासत। लोकसभा में डिंपल यादव ने ली शपथ, बीजेपी के रघुराज शाक्य को दिमाग। डिंपल यादव ने रचा नया कीर्तिमान, मैनपुरी से बनी पहली महिला सांसद। 19 चुनावों में महिला प्रत्याशी को नहीं मिला जनता का समर्थन, 4 महिला प्रत्याशियों ने खेला था दांव, नहीं मिली सफलता। मैनपुरी की सत्ता पर पैर जमाने के बाद और ऐतिहासिक जीत करते हुए डिंपल यादव ने सांसद पद की शपथ ले ली है। डिंपल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद पद की शपथ दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव भी साथ मौजूद रहे। डिंपल यादव ने शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से आशीर्वाद लिया। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2,88,461 वोटों से हराया था। मैनपुरी सीट के लिए लगाया गया बीजेपी का सारा सियासी गणित फेल हो गया था। अपनी जीत के बाद डिंपल यादव ने कहा था, मैनपुरी की जनता और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। मैनपुरी की जनता ने इतिहास रचा है। ये जीत नेताजी की जीत है और हमारी ये जीत नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें समर्पित है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बन गई हैं। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट से बीते 19 चुनावों में कभी भी महिला प्रत्याशी को जनता ने नहीं चुना। एक नहीं बल्कि 4-4 महिला प्रत्याशियों ने लोकसभा सीट पर अपना भाग्य आजमाया, लेकिन हर बार उन्हें हार ही मिली। भाजपा से मशहूर भजन गायिका तृप्ति शाक्य, कांग्रेस से सुमन चौहान, बसपा से संगमित्रा मौर्य और निर्दलीय प्रत्याशी राजेश्वरी देवी ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाई। हालांकि सपा ने इससे पूर्व इस सीट पर कभी महिला प्रत्याशी को नहीं उतारा था। मैनपुरी और खतौली सीट पर रिकॉर्ड जीत से सपा का जोश हाई है। चाचा भतीजे एक बार फिर साथ में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव में सपा कितना दमखम दिखाएगी और बीजेपी के लिए कितनी चुनौती साबित करेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।